मैं हूँ अंजलि और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि ज़्यादा वो ऐसा तो नहीं है, बट मैं ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और जो ये लड़कियाँ अप्लाई कर सकती है जिनको बहुत अच्छे मतलब अच्छे काफ़ी बाल चाहिए, जिनके झड़ते हैं। और तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि कुछ छोटे छोटे स्पंज होते हैं उसको लगाने से तुम्हारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे मेरी तो है नहीं इतनी अच्छी, बट मैं भी शायद अप्लाई करूँगी एक बार। तो शायद उसमें काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी डाली हुई है, मैंने देखी थी उसमें, मैंने खुद सर्च किया था यूट्यूब पे, तो उस पर बहुत सारी वीडियोज़ आ रखी थी। तो मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि मेरे बाल होते कि नहीं होते, तो मैं दिखाऊँ। वैसे मेरे पास है, रखी भी है, मैं देखती लेके आ गई हूँ इसको, पता क्या बोलता है, बट इसको रेठा बोलता है। इसका ना मार्केट में कहीं भी डिलीवरी में, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी इसका पाउडर मिलता है और ये दुकान में भी जल्दी से अवेलेबल होता है। पर लेकिन जो पेड़ का होता है नेचुरली, उसकी अलग ही बात होती है। तो ये है वो, ये वाला। इसको ना हमें उसमें या तो हम अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बॉईल करके करें या इसको कुछ अलग तरीके से करें। हम इसको इसको पीस के इसका पाउडर भी निकाल सकते हैं। इसको पाउडर को पानी में घोल के या किसी नींबू वगैरह में डाल के हम इसको अपने बालों में अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी फिर हम इसको उबाल के जो इसका ये ऊपर का होता है छिलक, उसको भी हम बहुत अच्छे से पीस के बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम इसको पानी में रख के रात भर, उसका जो पानी निकलता है, जो उसका अंश होता है, जितना भी होता है, वो सब पानी में आ जाता है। और वो पानी में आके तो पानी में आ जाता है और फिर उसको हम अप्लाई भी कर सकते हैं। इससे इसको ना हफ्ते में कम से कम 2-3 बार ट्राई करो तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलते हैं, ऐसा सुना है मैंने। वैसे भी मैंने भी अप्लाई नहीं किया है, तो मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी इस वीडियो के बाद। तो देखते हैं मेरा भी कैसा रिजल्ट होता है। अगर जैसा भी आएगा तो मैं एक बार वीडियो जरूर डालूंगी अपने बालों के। लेकिन मेरे को अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे नहीं है बट मेरे ठीक है, अच्छे लगते हैं। पर मेरे को और अच्छा करना है, मेरे को सीधे बाल चाहिए, स्मूथ वगैरह जो होते हैं। लोग पार्लरों में जाते हैं तब ऐसे खर्च करके, तो मैं घर में करना चाहती हूँ। कि मेरी मम्मी बोलती है कि घर का नुस्खा घर का नुस्खा होता है, तो घर के नुस्खे को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। अंडे को लगा लो या कुछ भी लगा लो, इसको हम इसके अंदर हम अंडे को भी ऐड कर सकते हैं। अंडे का जो पानी होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बालों की ग्रोथ होती है, उसको भी कर सकते हैं हम ऐड। सो आज की वीडियो इतनी, थैंक यू। और मेरे को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, जो भी कुछ करना है कर दो प्लीज़, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो।